हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है मुरमुरे के लड्डू। जनरली क्या होता है ना कि मुरमुरे लड्डू हम जब भी पहली बार बनाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है और बिखर से जाते हैं। तो आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी, अगर आपके मुरमुरे के लड्डू बिखर जाए तो आप उसे कैसे अच्छे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो है, रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने मुरमुरे को मेज़र कर लेना है। कढ़ाई रख ली है गैस के ऊपर और इस तरह से छोटी कटोरी ले ले या फिर कप ले ले, उसी कटोरी या कप से हमें मेज़र करना है। तो तीन कटोरी यहाँ पे मैंने मुरमुरे, हमारे इधर इसे ममरा भी कहते हैं, तो मुरमुरे को मैंने ले लिया है और इसी कटोरी से हमने गुड़ भी लेना है। तो तीन कटोरी के साथ हमने एक कटोरी गुड़ जाएगा। अगर पाँच कटोरी ले रहे हैं तो डेढ़ कटोरी गुड़ ले लीजिए। तो मुरमुरे को पहले ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है, घी ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इस तरह से मैंने इसे अच्छे से कुक कर लेना है। वैसे अगर मुरमुरा अगर फ्रेश है, आपने पैकेट नहीं तोड़ा है, तो आप डायरेक्टली इसे चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे पैकेट टूटा हुआ था तो मैंने इसे एक बार और कर लिया है अच्छे से कुक। और साथ में मैं थोड़ी सी मूंगफली भी इसमें ऐड करूँगी। तो मूंगफली को मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया, अब मैं इसकी जो ऊपरी छिलके हैं ना वो इसे मलमल के अच्छे से निकाल लूँगी। और इस तरह से निकालने के बाद और इसे इसका जितना भी छिलका है ना वो इस तरह से हम छन्नी में छानेंगे ना तो निकल जाएगा, या फिर आप प्लेट से भी इसे करेंगे ना तब भी निकल जाएगी। तो मैंने इस तरह से छान लिया और इसे है ना हमाम दस्ते में डालकर इसे हमें अधकचरा सा इसे कूट लेना है। अब यहाँ पे जो मुरमुरे हैं वो भी अच्छे से क्रंची हो गए, तो गैस को मैंने बंद किया और निकाल लिया एक अलग से बाउल में। अब इसे रख देंगे हम साइड पे। अब हम बना लेते हैं इसकी चाशनी। तो मैंने वही कढ़ाई ली है। अब एक कटोरी यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़, ये मैंने वाइट वाला गुड़ लिया है, आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है दो चम्मच चीनी, मूंगफली के अकॉर्डिंग मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, और तीन छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने पानी लिया है। और अब हम गैस को ऑन करेंगे, पानी इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें, और आप चाहे तो इसमें आप पानी की बजाय घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी ना कि पानी का ही इस्तेमाल करें। और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम आंच पे ही इसे कुक करना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो जो पहले मेल्ट होगा ना वो जल्दी से पक जाएगा और चाशनी जो है ना वो चढ़ जाएगी। तो ऐसा हमें नहीं करना, स्लो आंच पे मैंने इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया, ये देखिए स्पैचुला के हेल्प से अच्छे से। जब स्मूथली ये मेल्ट हो जाएगा ना तब हम इसके अंदर एक चम्मच भरकर देसी घी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसे जो चाशनी है ना वो अच्छे से कुक हो चुकी है, हम इसमें मुरमुरा ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ढेर सारे बबल्स आ जाए ना, ये देखिए इस स्टेज पर अब हमें इसे चेक कर लेंगे। तो एक बाउल में इसे थोड़े से ड्रॉप हम इस तरह से डाल लेंगे, आप चाहें ना तो पानी में भी इसमें ऐड डाल सकते हैं। जब पानी में ये गुड़ का पाक जो अच्छे से सिमट जाए ना, स्टिकी हो जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से कुक हो चुका है। या फिर जैसे ही बबल्स आए आप गैस को बंद करें और इससे इसके अंदर मुरमुरा आप ऐड कर ले। ये देखिए ढेर सारे तार बन रहे हैं। तो अब इस स्टेज पर हमने गैस को बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद सबसे पहले हम डाल देंगे मूंगफली जो हमने थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया था इमाम दस्ते में, उसे मैंने डाल दिया। अब साथ में मुरमुरे भी ऐड कर देंगे और इस स्टेज पे गैस को बंद रखना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे जो गुड़ है वो वाइट वाला है, इसलिए मुरमुरे के लड्डू थोड़े से वाइट भी ही बनेंगे। अगर आप देसी गुड़ या फिर काला गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो थोड़े से डार्क बनेंगे और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, पर जो भी गुड़ था मैंने इसे बना ली। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जब ये बिखर जाए ना तब हम क्या करें। जनरली मैं फटाफट उसी टाइम पे बांध लेती हूँ ताकि लड्डू अच्छे से बन जाए। पानी वाला हाथ करें, ऑयल वाला हाथ बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा जलेंगे। तो बस पानी वाला हाथ करके फटाफट से बांध ले। अब ये देखिए मैंने इसे थोड़ा देर छोड़ दिया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर बिखर जाए, देखिए लड्डू बन नहीं रहे हैं, तो अब क्या करेंगे। गैस को वापस ऑन करेंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे इसे छोड़ देंगे और एक से दो बार पानी का छिड़काव करेंगे। एक या दो चम्मच में नहीं कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पानी का हमें छिड़काव करना है और लगातार चलाते जाएंगे और आप खुद ब खुद देखेंगे कि जो चाशनी है ना वो वापस से आपस में चिपकने लगी है और जो लड्डू है ना वो आपके बनते चले जाएंगे। तो बहुत कमाल की ट्रिक है, आपको वापस से चाशनी नहीं बनानी। और अगर आप सोचेंगे कि ये लड्डू खराब हो गए अब मैं कैसे इसे बनाऊं, तो ये ट्रिक ना बहुत ही कमाल की है और इस तरह से फटाफट से आपके जो लड्डू है ना वो बनते चले जाएंगे। ये देखिए लास्ट वाला रह गया है, तो वापस मैं गैस को ऑन करूंगी और इसे पानी का इस तरह से छिड़काव करूंगी और वापस से सारे लड्डू को तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे बन गए हैं मेरे सभी मुरमुरे के लड्डू, और इस तरह से लड्डू आप जरूर से बनाइएगा, आपके लड्डू फेल नहीं होंगे। अब आपको टेंशन नहीं रहेगी,
कि लड्डू अगर बिखर भी जाए ना तो अब हम क्या करें, कैसे इसे बनाएं। तो जैसे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो आप गैस को बंद कर ले और फटाफट से इसे लड्डू तैयार कर ले। तो यहाँ पे सारे लड्डू देखिए मैंने इस तरह से बना लिए हैं, बड़े बनाइए छोटे बनाइए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लड्डू बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए फेल हो जाने के बाद भी ये मुरमुरे के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस फेस्टिवल में आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, पहली बार भी बना रहे हैं तो बिना टेंशन आप इसे बना सकते हैं। तो इस मकर संक्रांति पर ये चिक्की या फिर मुरमुरे के लड्डू ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ मुझे कमेंट करना ना भूले। तो इसी तरह के मुरमुरे के सारे लड्डू तैयार कर ले और आप मेरा इंस्टाग्राम भी ज़रूर से फॉलो करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।